राजधानी भोपाल में सेना के रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर बीएन गुप्ता के नाम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भोपाल में रजिस्टर्ड एशियन हॉस्पिटल नाम का एक निजी अस्पताल नियम कानूनों का जबरदस्त मखौल उड़ाता दिख रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस अस्पताल के बोर्ड में भोपाल के एलोपैथी पद्धति के कई बड़े डॉक्टरों के नाम लिखे हैं, जिसे देखकर मरीज अस्पताल जाता है तो उसे डॉक्टरी सलाह मिलती है एक ऐसे होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर विनय विकास गुप्ता से, जिसका नाम तक अस्पताल के पर्चे में नहीं लिखा, लेकिन खुद को अस्पताल का संचालक बताने वाले होम्योपैथी के डॉक्टर साहब कर्नल डॉक्टर बीएन गुप्ता के नाम लिखे पर्चे पर मरीजों को देखकर खुलेआम एलोपैथी की दवाइयां लिखते हैं। इस बारे में जब प्रदेश टुडे ने एशियन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बीएन गुप्ता से बात करनी चाही तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं बोलना, जबकि होम्योपैथिक के डॉक्टर विनय गुप्ता जो एलोपैथी की दवाइयाँ लिखते हैं उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना है, आपको जो छापना है छापिए। प्रदेश टुडे ने भोपाल के एशियन हॉस्पिटल में हो रही इन अनियमितताओं का खुलासा किया था, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में दिखने लगा है। झूठे दस्तावेजी दावों के दम पर सरकारी मान्यता लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करने वाले एशियन हॉस्पिटल पर नकेल कसने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।